अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 26 करंट एंड द रेजिस्टेंस प्रॉब्लम 12 है। वो कहता है जमीन के करीब जो फोटॉन की डेंसिटी है सोलर विंड के नतीजे में वो 8.7 सेंटीमीटर क्यूब के एरिया वॉल्यूम में वो उनकी स्पीड है 470 किलोमीटर पर सेकेंड। हमसे करंट डेंसिटी मांगी जा रही है। वो कहता है अगर मैग्नेटिक फील्ड इन प्रोटॉन्स को डिफ्लेक्ट नहीं करती तो इनकी वजह से जो करंट जमीन तक पहुंच रहा है वो कितना है। अब हम जानते हैं जे इज इक्वल टू एन क्यू वी डी है। हमारे पास तादाद दे दी गई है कि भाई 8.70 पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो आप 8.70 को मीटर क्यूब में शिफ्ट कर लेंगे। चार्ज हमें प्रोटॉन का इस्तेमाल करना है, स्पीड हमें दी हुई है, तो 6.54 × 10⁻⁷ एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर आएगा करंट डेंसिटी। देन आपके पास अगर हम उसकी तादाद देखें तो आई इज इक्वल टू हम कहते हैं जे इज इक्वल टू आई ए, तो आई बराबर आ जाएगा जे इन टू ए। जे की वैल्यू पता है, एरिया की जगह पाई आर स्केयर लेंगे हम अर्थ का जो कि डिस्कस कर रहे हैं तो आर ही आ जाएगा। इस सारे को लेकर सॉल्व करेंगे तो ये 8.34 × 10⁻⁷ एम्पेयर का करंट बन रहा होगा उस पैच में। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।